मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा स्टडी सर्कल के संयोजक जयराम विप्लव जी, यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं सबसे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने स्टडी सेंटर जो खोला है उसके द्वारा आज पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट इस विषय पर मुझे विचार रखने का अवसर दिया है। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि देश की बहुत बड़ी समस्या है कि देश में विचार भिन्नता है, तो मैं कभी कभी कहता हूँ विचार भिन्नता ये हमारी समस्या नहीं है, विचार शून्यता ये हमारी सबसे बड़ी समस्या। सही रहे कि गलत रहे, पर कुछ न कुछ विचार रखकर ईमानदारी से काम करने वाले लोगों की देश के लिए आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी एक विशुद्ध राष्ट्रवाद की बात लेकर कार्य करती है। राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति हो, सर्वांगीण विकास हो, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान हो, भय भूख आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान हो, और जो दुनिया की नंबर एक की ताकत बने, शक्ति बने, इस विचार को लेकर हम सब लोग राजनीति में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले राजनीति की सही व्याख्या क्या है ये हमको समझनी होगी। दुर्भाग्य से आज राजनीति की सही व्याख्या अगर कोई है तो सत्ता की राजनीति जो है, सत्ता कारण है, इसको लोग राजनीति समझते हैं। राज और नीति ये दो शब्द हैं। राज्य को ठीक से चलाने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसको राजनीति कहते हैं। इसको बृहत्तर राजनीति, लोकनीति, धर्मनीति, समाज नीति ऐसे अनेक शब्द हैं। राजकारण को राष्ट्र कारण, समाज कारण, विकास कारण ऐसे भी शब्द हैं। मैं एक बात मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति ये सबसे बड़ा प्रभावी उपकरण है, और इसलिए हम हमारे देश का पुनर्निर्माण करें राजनीति के माध्यम से, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कभी कभी मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, विदर्भ से, और गांव में और किसानों में काम कर रहा हूं, आज पिछले 10 साल में कम से कम 8 से 10 हजार किसानों ने आत्महत्या की है। मेरे मन में विचार आता है कि क्या ये किसानों की आत्महत्या रोकना राजनीति की प्रेरणा नहीं हो सकती? क्या हमारे देश में 80% आबादी ऐसी है कि जो एक समय की रोटी मुश्किल से खा सकते हैं, बेचारे खाली पेट रात को सो जाते हैं, क्या उनके जीवन को सुसह्य बनाने की प्रेरणा ये हमारी राजनीति की प्रेरणा नहीं हो सकती? आज स्वाधीनता के 65 साल के बाद हम उन्हीं बातों की चर्चा कर रहे हैं कि गांव में रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, यही बातों की चर्चा कर रहे हैं। क्या इन लोगों को पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ जल भी हम नहीं दे सकते? आज ग्रामीण क्षेत्र में अनेक डॉक्टर जो है उनकी प्रैक्टिस इसलिए चलती है कि पीने के लिए साफ सुथरा और स्वच्छ जल भी हम अनेक गांवों में दे नहीं सकते। 14-14 घंटे बिजली नहीं है, अगर बिजली नहीं होगी तो उद्योग कैसे खुलेंगे? उद्योग नहीं खुलेंगे तो युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? बिजली नहीं होगी तो किसान के खेत को पानी कैसे देगा, और पानी नहीं देगा तो किसानों का कृषि उत्पादन कैसे बढ़ेगा? समस्या अनेक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अक्सर ये बात कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन, और बाद में वो कहते थे कि इस देश में जितने नागरिक है उतने प्रश्न है। मैं पंडित जी के एक बात से जरूर इतनी बात समझाऊंगा कि कम से कम ये कोशिश करें कि मैं व्यक्तिगत रूप से देश के सामने प्रश्न के रूप में, सवाल के रूप में नहीं रह रहा। इतनी भी कोशिश अगर हर व्यक्ति ने की तो देश के सवालों को सुलझाने के लिए उपयोग हो सकता है। दूसरी बात, आप युवा हैं,
और युवाओं के बारे में ऐसा है कि आप कल के नहीं आज के नागरिक हैं। आपकी सोच, आपकी विजन, आपकी कार्य क्षमता, आपके व्यक्तित्व को, आपके जीवन को, सामाजिक जीवन को और देश को आगे ले जा सकती है। और मैं समझता हूं कि आप में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपको सही दिशा मिलेगी, सही जानकारियां मिलेगी, सही विचार मिलेगा, सही कार्यक्रम मिलेगा, तो स्काई इज द लिमिट। आप सब में क्षमता है देश के तकदीर को और देश के भविष्य को बदलने की। आप बदल सकते हैं। लोग एक तो भगवान पर विश्वास रखते हैं, नहीं तो सरकार पर विश्वास करते हैं। मैं तीसरी बात आपको कहना चाहूंगा कि भगवान को और सरकार को छोड़कर तीसरी अगर कोई ताकत है तो अपने आप पर विश्वास रखो। यू कैन चेंज योर सोशल, आपके जीवन को सुखी, समृद्ध, संपन्न बना सकते हैं। और केवल आपके नहीं, तो आपने मन में लाया तो आप हजारों लाखों लोगों का भी जीवन बदलने की ताकत और क्षमता आपके पास है। आवश्यकता है उस प्रकार के दृष्टिकोण की, निजी विजन की स्वीकारने की। मैं एक बात बहुत बार कहते रहता हूं कि यू कैन डोनेट टाइम बट यू कैनॉट डोनेट विजन। आप आंखें दान कर सकते हो पर दृष्टि दान नहीं कर सकते। इस देश की विकास की दृष्टि लाखों करोड़ों युवाओं तक पहुंचाने का काम हम सबको करना है। हमको देश का भविष्य बदलना है, देश का तकदीर बदलना है। 1947 को हमको स्वाधीनता मिली, तब से देश में चर्चा हो रही है गरीबी हटाओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात को दोहराया था कि हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करेंगे, देश की गरीबी दूर करेंगे। पंडित जी के बाद इंदिरा जी भी आई, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर राजीव गांधी आए, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। सोनिया जी ने उसी बात को दोहराया। अब पंडित जी का पोता भी गांव गांव जाकर यही कह रहा है कि गरीबी हटाए। पर गरीबी कहां हटी है मेरे समझ में नहीं आता। गरीब गरीब होते जा रहा है। हमारी सरकार ये कह रही है कि हमारे देश में जिन लोगों का शहरों में पर डे इनकम 32 रुपए से ज्यादा है, 33 रुपए प्रतिदिन है, वो धनवान है। और गांव में जिस व्यक्ति का प्रतिदिन उत्पन्न इनकम 47 रुपए से ज्यादा है, 28 रुपए प्रतिदिन है, वो धनवान है। मेरे तो भी समझ में नहीं आता कि 28 रुपए प्रतिदिन धनवान के रूप में गांव में और 33 रुपए प्रतिदिन धनवान के रूप में शहर में कैसे जीवन जी सकते हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आया। बहनों और भाइयों, 47 के बाद तीन बातों का विचार हुआ, जो विचार देश में आज भी लोग उसके समर्थक हैं। एक विचार था समाजवाद का, दूसरा विचार था साम्यवाद का और तीसरा विचार था पूंजीवाद का। साधारणतः मैं तो कोई विचारों की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पर निगेटिव टिप्पणी भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो इंफरेंस की बात कर रहा हूं कि जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट बंगाल में आए, केरल में आए, क्या उनके कारण केरल और बंगाल में गरीबी दूर हुई? क्या इंदिरा जी ने 20 कलमी, 40 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा दी, समाजवाद की घोषणा की, क्या देश में गरीबी दूर हुई? पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करने वाले भी लोग आए, क्या देश की गरीबी दूर हुई? मैं एक नई पीढ़ी का काम करता हूं। जैसे केशवानंद भारती के सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज, वैसे मुझे एक बात लगती है कि ये सब विचारों में जो स्पिरिट है, सभी विचारों में वो सही है कि गरीबों का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, देश आगे जाए, ये सब सही है। पर उसके लिए जो मींस और मेजर्स अपनाए गए हैं, उसके आधार पर 65 साल के इतिहास में उसका अध्ययन करने के बाद उसका निचोड़ क्या निकलता है। और इसलिए मैं इस बात से सहमत कि सभी विचारक श्रेष्ठ थे। आज हम गांधी जी का स्मरण कर रहे हैं। गांधी जी अक्सर एक बात कहते थे,
कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों के सहभाग से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और विकास होना चाहिए, ये उनके विचारों का सूत्र था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन, तो भिलाई जैसे स्टील प्लांट हो, रेलवे हो, हवाई वाहतूक हो, बड़े बड़े इसमें सीमेंट फैक्ट्रीज हो, एरोप्लेन से लेकर तो सुई बनाना तक हर क्षेत्र में सरकार ने अपने उद्योग व्यवसाय को शुरू किया, होटल्स तक बनाए। ये अशोका होटल और आईटीसी होटल की चेन भी पंडित जी के समय बनी। परिणाम क्या हुआ, मैं आपको खुले रूप से कहना चाहूंगा कि इसका अध्ययन करना चाहिए कि इसका सबका उपयोग जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें हुई है उसमें इसका परिणाम क्या निकला। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के एक अर्थशास्त्र के प्राध्यापक को मैंने मिला और मैंने उनको कहा कि 47 के बाद गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और उसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट अभी बाकी है, कितने डेढ़ हो गई है, कितना नुकसान हुआ है, इसका कुछ अध्ययन करके मुझे बताओ। मैं दावा नहीं करता क्योंकि मेरा आंकड़ा इतना कंफर्म है कि मुझे मालूम नहीं। उन्होंने कहा 5.5 लाख से लेकर 5,60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 1947 के बाद भारत सरकार ने विविध सरकारी और गैर सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में की। परिणाम क्या हुआ, गोल्ड माइन भी सरकार चलाती है, वो भी घाटे में चलती है। सरकार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जहां जहां पैर पड़े संतन के वहां वहां पंडित। सरकार ने टेक्सटाइल मिल चलाने के लिए नुकसान हुआ, सरकार ने स्टील इंडस्ट्री चलाई नुकसान हुआ, सरकार ने एयर इंडिया चलाया बैंड बाजा बजा आपने देखा है नुकसान हुआ, सरकार रेलवे चलाती नुकसान हो रहा है। एक बात सच हुई है कि जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। गवर्नमेंट में बिलोंग्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी एज फार एज ट्रेड एंड बिजनेस इज कंसर्न 90% गवर्नमेंट इज ट्रू टू बी वर्स्ट एजेंसी। गवर्नमेंट इज नॉट सपोज टू रन द बिजनेस, गवर्नमेंट इज सपोज टू मेक द पॉलिसीज। सरकार का काम नीतियां बनाना है, सरकार का काम व्यापार करना उद्योग करना नहीं। मैं कोई समाजवाद साम्यवाद पूंजीवाद का समर्थन नहीं करता, मैं कोई विचारों की बात नहीं करता। मैं जब स्कूल में था तो 10वीं में पढ़ता था तो मेरा मित्र था, उसके पिताजी स्टेट बैंक में ऑफिसर थे, तो मेरी बहन मुंबई में रहती थी, तो ट्रंक कॉल करने के लिए नागपुर से मुंबई के लिए उस समय 66 रुपीज लगते थे। तो मैं जब उसके पिताजी बैंक में जाने के बाद उसको पटाकर उसके घर में जाता था और वहां से एसटीडी कॉल करके मुंबई में तुरंत बात कर लेता था क्योंकि वो स्टेट बैंक का फोन था, तो मेरी बात हो जाती थी। तो मुझे लगा चलो 65 रुपए कहां से दूं, बात नहीं हो पाएगी। आज जब कंपटीशन हुई, मोर कंपटीशन मोर बेनिफिट टू कंज्यूमर, जैसे जैसे अनेक कंपनियां खुली क्या हुआ, आज मैं नागपुर से मुंबई में 40 पैसे में बात कर सकता, बिकॉज ऑफ मोर कॉम्पिटिशन। हुआ द बेनिफिशरीज, द कॉमन मैन आर द बेनिफिशरीज। अब वो फोन किसका है, एयरटेल का है कि रिलायंस का है कि टाटा का है कि अपने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का, हमको क्या लेना देना है, हम कॉमन मैन है। सब्जी वाले है, साइकिल में दूध बांटने वाला है, वो फोन करता और बात करता है, 40 पैसे में बात होती है, 50 पैसे में बात होती है। जितनी ज्यादा कंपनियां खुली उतनी स्पर्धा हुई, कंज्यूमर का फायदा। मुंबई और दिल्ली के बीच में पहले विमान का टिकट कितना था मुझे पता नहीं, दिल्ली कितना था, पर नागपुर से मुंबई पहले टिकट 8,500 रुपए था। अभी तो ऐसा हुआ कि 15 दिन पहले टिकट निकाले तो 3,400 रुपए में मिलता है। मैं तो कहता हूं और एयरलाइंस खुले और खुले, एक दूसरे के कपड़े फाटे टिकट के अंदर जितने का हो कि हम सस्ते में जाए। एक ने मुझे पूछा था, पत्रकार तो अनेक शब्दों का अर्थ अलग अलग प्रकार से लगाते हैं, उन्हें पूछा यार मैंने बोला किंगफिशर बचनी चाहिए,
बोले आप ठीक किशोर को बचाना चाहते हैं, आप उसके सपोर्टर हो, आपका इंटरेस्ट क्या है? अरे मैंने बोला भाई ये इसके फ्लाइट कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई तो जेट वालों ने 6,000 से टिकट बढ़ा दिया। ये जब तक इसकी फ्लाइट थी तो उनका टिकट कम था, उसकी कैंसिल हुई तो इन्होंने बढ़ा दिया। तो मुझे लगता है कि जब जब सब फ्लाइट मुंबई के लिए 40-40, 50-50 जाएगी, ऐसी स्थिति पैदा हो कि एयरपोर्ट के बाहर एजेंट खड़े हो, ए चल रहा है मुंबई 8,000। तीसरा कहे 5,000, चौथा बोले 4,000, तीसरा बोले 3,000, फायदा हमारा है। अब वो उनका इकोनॉमिक्स क्या है ये आपको चिंता क्या करने की? और इसलिए कॉम्पिटिशन होने में हमारा फायदा है। मैं आपको जो बात कहना चाहूंगा कि वी आर ए रिच नेशन विद ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर हमने सही नीतियां नहीं अपनाई, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, रॉन्ग पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप एंड नॉट टेकिंग डिसीजन, ये हमारे देश की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं आज कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं कोई सरकार के ऊपर कोई नेगेटिव बात कहने के लिए भी नहीं आ रहा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में कौन शासन करेगा, मुझे इस बात की चिंता है कि हमारे देश का कैसा होगा, देश के गरीबों का कैसे होगा, देश की जनता का कैसे होगा, देश के युवाओं को रोजगार कैसे मिलेंगे, किसानों की आत्महत्या कैसे मिलेगी। मैं दिल से बता रहा हूं और राजनीति के माध्यम से क्या, अगर हम उनके सवाल अगर नहीं सुलझा सके तो हमारे आने में फायदा नहीं है और उनके जाने में फायदा। और मैं ये मानता हूं कि मेरे बीच नेशन, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास जमीन है, नदियां है, पर्वत है, हमारे साहित्य, संस्कृति, इतिहास, विरासत बहुत श्रेष्ठ है, विज्ञान तंत्र विज्ञान में हम प्रगति कर रहे हैं, सैटेलाइट हमने छोड़ा, लगातार छोड़ रहे हैं, स्पेस साइंस आगे जा रहे हैं, नासा में हमारे भारतीय वैज्ञानिक साइंटिस्ट के रूप में अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं जापान में गया था, एक उद्योगपति ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि मिस्टर गडकरी मुझे एक बताइए कि आपके देश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कितने होशियार कैसे हैं, क्या उनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स हैं? मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, मेरी कॉलर टाइट हो गई और वनडे क्रिकेट जैसे मेरा भाषण शुरू मैंने किया, साफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं तो अमेरिका के 10 अच्छे डॉक्टर में से 4 डॉक्टर इंडियन हैं। और मैं लगातार बोलते रहा, जैसे वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जैसी अच्छी बैटिंग करता है 2020 में, वैसा मेरा बोलना शुरू था, उतने में उन्होंने गूगली बॉट डाल दिया। और उस जापानी उद्योगपति ने मुझे पूछा कि मिस्टर गडकरी व्हेन यू हैव एवरीथिंग देन व्हाई यूर कंट्री इज पुअर, मैं विकेट उड़ गई। मैं चुप बैठ गया। हिंदुस्तान में कोई पूछता तो शायद मैं जवाब देता पर देश के बाहर बोलना उचित नहीं था। मैंने तुरंत उनको कहा कि योर फूड इज वेरी नाइस। तो उन्होंने मुझे कहा नो 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 मिस्टर गडकरी, फर्स्ट यू टेल मी व्हाई योर कंट्री इज पुअर। जब मैं जवाब नहीं दे रहा था तो उन्होंने कहा इंडिया इज नॉट ए पुअर नेशन, इट इज ए पुअर मैनेज नेशन। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी क्षेत्र में प्रगति और विकास करने के लिए पैसा और टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण नहीं है, कम से कम मेरे ऊपर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। मैं जब मंत्री था तो मैं सरकार से मैंने 5 करोड़ रुपए उठाया, 4,000 करोड़ मैंने लोगों से खड़े किए कैपिटल मार्केट से और 2.5 साल में 8,000 करोड़ रुपए के काम पूरे किए और कोई सीएजी का वगैरह ऑब्जेक्शन नहीं आया। जो बॉम्बे पुना एक्सप्रेस हाईवे की बात कर रहे थे जिसका लोएस्ट टेंडर 3 कंपनियों ने डाला था, लोएस्ट टेंडर 3600 करोड़ रुपए का था, मैंने रिजेक्ट किया और वो राष्ट्रीय एक्सप्रेस हाईवे देश का पहला केवल 1650 करोड़ रुपए में पूरा हुआ, 2000 करोड़ में फ्लाईओवर्स थे वो 1800 करोड़ के थे, 1000 करोड़ में हुए, 800 करोड़ बच गए।
और जो टीवी पर आप जो सीलिंग प्रोजेक्ट देखते हैं वो आधा मैंने पूरा किया, वर्क ऑर्डर दिया 420 करोड़ में, फिर हमारी सरकार बदल गई, वो 420 करोड़ में पूरा होता पर अब 1780 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी वो पूरा नहीं होता। देखिए काम करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। अगर आपको देखो पहली बात है कि कोई भी काम करना है तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए, विकास का दृष्टिकोण चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच चाहिए। मैं लोगों को कहता हूं कि आजकल वेस्ट का जमाना चला गया, आजकल वेस्ट इज गोल्ड वाली फिलोसफी। मैं हमारे शहर में जितना गंदा कचरा होता है जो बहुत ही गंदा है, रोज 200 टन कचरा खरीदता हूं 2100 रुपए टन के भाव से, और उसको बिजली तैयार करने के लिए उसका उपयोग करता हूं। कचरे का जो बहुत गंदा आप फेंक देते हो ऐसा कचरा, जो आपका संडास का जो शौचालय का जो पानी है गंदा, उसमें अगर कोई कल्चर ऐड किया जाए और दिल्ली में जितना संडास का अपना शौचालय का पानी अगर एक जगह लाकर डाइजेस्टर में डाल दिया जाए और उसमें कल्चर ऐड किया जाए तो उससे मीथेन तैयार होगा, और मीथेन से सीएनजी तैयार किया तो दिल्ली के 1200 बसेस उसमें चल सकती है। अब जिसको डाउन होगा मेरे पास देखने के लिए आ जाए, मैं सब तैयार करता हूं। और इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, विकास अभिमुख दृष्टिकोण चाहिए और स्ट्रांग पॉलिटिकल भी चाहिए कि मुझे यह करना है। देखो खुद के लिए तो बहुत लोग जीते, मैं ये नहीं कहूंगा, विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू इंग्लिश नंबर। बहुत बार मुझे कुछ कार्यकर्ता आते और मुझे कहते कि मैं अपना पार्टी के लिए और देश के लिए अपना जीवन देना चाहता हूं। मैं पूछता हूं आपके घर में कौन है, उनका घर कैसे चलता है, उनके घर में कोई नहीं, हालत बहुत खराब है। मैं बोलता हूँ आपकी जरूरत नहीं है पार्टी को, पहले अपना घर अच्छा चलाइए। जो व्यक्ति अपना घर अच्छा चला नहीं सकता वो अच्छा देश नहीं है। आप ईमानदारी के मार्ग से पहले अपने घर को अच्छा चलाइए, और इसके लिए मैं मानता हूं कि पहले हमारे पास एक पॉजिटिव स्ट्रांग विल चाहिए। मैं एक बार मुंबई में मीट द प्रेस प्रोग्राम में गया था, तो वहां पत्रकार थे, एक इंडियन एक्सप्रेस के बहुत सीनियर पत्रकार थे देश के कर रहे करके, उनने मुझे सवाल पूछा कि आप एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं तो इसको कितना खर्चा आएगा, तो मैंने कहा 1800 करोड़ रुपए लगेंगे। उनने मुझे पूछा कि कितने दिनों में बनाओगे, तो मैंने कहा 2.5 साल में होगा। उन्होंने कहा आपके पास कितने पैसे हैं, तो मैंने कहा मेरे पास हमारे पास 5 करोड़। सभी पत्रकार जोरों से हंसते लगे, मैं मीट द प्रेस प्रोग्राम में था, जोरों से हंसने लगे। एक महिला पत्रकार ने मुझे सवाल पूछा कि आप राजनीतिक नेता आए, कुछ भी कहे, कुछ भी बोले और हमें लिखना चाहिए, ऐसा आपको लगता है क्या? मैंने कहा नहीं। बोलिए क्या बोल रहे हैं आप, 5 करोड़ रुपए है, 1800 करोड़ का काम है, 2.5 साल में पूरा हो जाएगा, किसके आधार पर कह रहे हो? तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया और मैंने ये कहा कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सर्टिफिकेट। मैं हमारे आईएएस ऑफिसर को अक्सर एक बात कहता था कि आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग डन। मैंने एक्रेलिक शीट पर लिखकर रिप्रेजेंट किया था, उस समय मैं चिढ़कर कहता था वो सही नहीं है, मैं इवन आई लाइक डिसऑनेस्ट पीपल हु कैन गेट द थिंग डन, इवन आई लाइक डिसऑनेस्ट पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। मेरा कहना सही नहीं था, हमको ऐसा देश निर्माण करना चाहिए, ऐसे राजनेता, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स निर्माण करना चाहिए कि जो ईमानदारी के मार्ग से डिसीजन भी ले और देश को परफॉर्मेंस भी दे। हमारे देश में जैसे आप ऑडिट करते हो वैसे परफॉर्मेंस का भी ऑडिट होना चाहिए, पार्टी में भी होना चाहिए, और इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच और टीम स्पिरिट, ये नेताओं के लिए बहुत जरूरी है। आप में से बहुत से लोग मैथमेटिक्स को कहीं ना कहीं आपने अध्ययन किया होगा। मैं अक्सर एक बात बताता हूँ कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया,
तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, तो ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सबने मिलकर काम करना, टीम स्पिरिट से काम करना. कभी कभी राजनीति में बहुत कठिन होता है. मैं एक नेता को परसों कह रहा था कि दो रेखाएं हैं, एक आपकी है और एक दूसरे की है, दूसरे के बारे में निगेटिव कोई बोलते हो छोड़ दो ना, आपकी रेखा बड़ी करो. देर आर टू ऑप्शन विथ यू, एक तो दूसरे की पोषने का काम करो तो आपकी बड़ी बनेगी, या दूसरा आपकी बड़ी बनाओ तो आपकी बड़ा नहीं बड़ी बनाओ. नो वन कैन स्टॉप द रेज ऑफ द सन, इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट. आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि पानी के अंदर जितने वजन की वस्तु डालो उतना पानी ऊपर आता है. काय के लिए शॉर्टकट मारते हो? कटआउट लगाने से कोई नेता बनता नहीं. मैं तो कटआउट कभी लगे नहीं, दिल्ली कभी आया नहीं, पता भी नहीं कोई अभी भी दिल्ली के रोड मालूम नहीं. बन गया अध्यक्ष, बन सकता है. शॉर्टकट कट यू शॉर्ट, और इसलिए शॉर्टकट मत मारिए, जरूरत की नहीं है. मैं ये मानता हूं कि मिलकर काम करें, ईमानदारी से काम करें, क्रेडिबिलिटी मेंटेन करें, ट्रांसपेरेंसी रखें, ऑनेस्टी रखें, तो मुझे लगता है कि हम अच्छा काम कर सकते हैं. पहली बात यह है कि हमको नेतृत्व को विकास करना होगा. और जो बातें मैंने कही है कि नेतृत्व विकास अभिमुख चाहिए, नेतृत्व में टीम स्पिरिट और सबको मिलकर काम करने की ताकत चाहिए, विकास की दृष्टि चाहिए, और जो स्वीकार्य दृष्टि है उसके अनुरूप काम करने के लिए स्ट्रांग पॉलिटिकल विल चाहिए, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चाहिए, फुल ट्रांसपेरेंसी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, और करप्शन फ्री गुड गवर्नेंस के द्वारा हमको काम करना है, ऐसी कटिबद्धता चाहिए, और समाज और देश के साथ, गरीब के साथ कमिटमेंट चाहिए. हम ऐसे नेतृत्व का निर्माण करें, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते. देखिए, ये मैं अमेरिका में गया था, एक कार्यक्रम में एक बड़े व्यक्ति ने भाषण देते थे, एक सवाल पूछा कि विच इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ 21st सेंचुरी. तो बहुत लोग चर्चा कर रहे थे, अलग टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, कोई जवाब नहीं दे रहा है. तब उन्होंने कहा कि रेपुटेशन, विश्वसनीयता, गुडविल इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ द 21st सेंचुरी. देखिए, देर है कोई अंधेर नहीं है, कोई झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं. अगर आप एक्सपोर्ट में काम करना चाहते हो तो 101% गुड क्वालिटी, डिलीवरी ऑन टाइम और गुड पैकेजिंग, तीन बातें होगी तो एक्सपोर्ट में काम कर सकते हो. प्रोडक्ट अच्छा है, पैकेजिंग खराब है, माल नहीं भेज सकते. पंक्चुअलिटी है, आज दे रहे, कल दे रहे, वो भेज रहा आपको 10 बार पत्र और आप नहीं दे रहे, नहीं दे पाओ. ये जो आपकी फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, प्रोफेशनल डिसिप्लिन है, अगर होगी तो ही आप काम कर सकते हैं. और इसलिए मोटी तौर पर सरकार के लिए और कारपोरेट के लिए और पार्टी के लिए, हम सब के लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं. सबसे पहली बात है कि हमको नेतृत्व चाहिए, नेतृत्व की एबिलिटी चाहिए, नेतृत्व की विश्वसनीयता चाहिए, नेतृत्व की विश्वसनीयता के साथ नेतृत्व को विजन चाहिए, और नेतृत्व को निर्णय करने की क्षमता चाहिए, और नेतृत्व को समाज, देश और गरीब व्यक्ति के साथ कमिटमेंट चाहिए. अगर 5 बातें अगर प्राधान्य से आएगी तो निश्चित रूप से विकास होगा. मैं जिस गांव से आता हूं, मैंने सोचा मेरा शहर देश का सुंदर शहर बनना चाहिए. तो मैं जब मंत्री था तो मैंने 70 गार्डन बनाए और 15 लाख पेड़ लगाए. अब शहर का नंबर 2 की ग्रीन सिटी मेरा शहर बन गया. मेरी ताकत नहीं है कोई कहेंगे मुझे कि तुम अपने शहर की क्यों बात करते हो. मैं मानता हूँ अगर अनुराग जी धर्मशाला को अच्छा बनाएंगे, मैं अपने शहर को अच्छा बनाऊंगा, और ऐसे 50-100-500 नेता तैयार होकर अपने अपने गांव को अच्छे बनाएंगे तो देश अच्छा होगा. तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि ये हमको करना है. अब सवाल यह होता है कि हमारा ये करने में गोल क्या है. अर्थशास्त्र की भाषा में गोल क्या है और वैचारिक भाषा में गोल क्या है, आपको सोचना है. आज के एक ही भाषण में तो मैं सब कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि समय की कमी है, पर मैं कभी और सेकंड पार्ट में भी आऊंगा तो बहुत डिटेल में आपसे बात करूंगा. गोल ये होना चाहिए
कि सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान, भय भूख आतंक भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान, क्या ये गोल पूरा नहीं हो सकता? क्या हमारा देश दुनिया की नंबर एक की ताकत नहीं बन सकता? बन सकता, हम उसको बनाकर दिखाएंगे और उसके लिए हम काम करेंगे, ऐसे कहने वाले नेतृत्व के, ऐसे कहने वाले कार्यकर्ताओं की देश को सबसे बड़ी आवश्यकता है। अटल जी कहते थे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, देश कैसा होगा ये प्रश्न। और इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने की एम्बिशन से राजनीति में काम होगा, मिलना है तो मिलेगा नहीं तो मिलेगा। काम इसलिए करो कि मैं कितने गरीबों के आंसू पूछ सकता हूं। मुझे शर्म आती, मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूं वहां 10,000 किसानों ने आत्महत्या की, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं आत्महत्या रुक सकती? कोशिश होनी चाहिए, उसके कारणों को ढूंढना चाहिए। मैं अपने लेवल पे जो कर रहा है वो कोशिश करता हूं, ऐसे अगर हजारों लोग करने लगेंगे तो चित्र बदल सकता है। और इसलिए मैं आपको एक बात कहूंगा कि हमारा गोल है राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, भय भूख आतंक भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण, विज्ञान तंत्र विज्ञान का आधार लेंगे, इतिहास साहित्य संस्कृति वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, जो कुछ हमारी विरासत है उसका उपयोग करेंगे। देर आर देर इज डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। वी आर ऑल इन फेवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ वेस्टर्नाइजेशन। कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस उपयोग करेंगे। ई गवर्नेंस का अगर उपयोग किया तो देश का 70% भ्रष्टाचार दूर हो सकता है, मैं विश्वास के साथ आपको बताता हूं कि दूर हो सकता है। 4 तारीख को मुंबई में हमारी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, गुड गवर्नेंस विथ ई गवर्नेंस, और हिंदुस्तान के सभी आईटी क्षेत्र के प्रमुख लोग आने वाले हैं कि हम गांव से लेकर जिले से लेकर राज्य तक हमारी सिस्टम को हम कंप्यूटराइज कैसे करें, ई गवर्नेंस का उपयोग कैसे करें जिसमें हमारे लोगों का जीवन सुसह्य कैसे बनाए। और इसलिए मुझे लगता है कि उसके मींस एंड मेजर क्या है इसके बारे में बैठ के विचार हो सकता है। एक ने सही कहा है कि पर्सन एंड पार्टी, इसमें पार्टी इंपॉर्टेंट है, नहीं पर्स एंड पर्सन, पैसा और व्यक्ति, इसमें व्यक्ति श्रेष्ठ है, पर्सन श्रेष्ठ, पर्सन एंड पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है, और पार्टी एंड फिलोसॉफी, इसमें फिलोसॉफी श्रेष्ठ है, विचारधारा श्रेष्ठ है, सिद्धांत श्रेष्ठ है। हम भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, हम नितिन गडकरी के लिए काम कर रहे हैं, अनुराग ठाकुर जी को कोई मंत्री बनाना इसके लिए हम काम नहीं कर रहे, हम देश के भविष्य को, देश के तकदीर को बदलने के लिए काम कर रहे, हम इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए काम कर रहे। और इसलिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1967 में एक बात कही थी, उन्होंने कहा था वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी, हमको गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, इस देश को, गरीबी को इस देश से हटाना है। हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई हो, सब गरीबी का शिकार है। क्या बाढ़ का पानी जब गांव में आता है तो क्या उस पानी को ये पता है कि कौन सा हिंदू का घर है, कौन सा मुसलमान का घर है, कौन सा क्रिश्चियन का घर है, कौन सा यादव का घर है, कौन सा जाटों का घर है, कौन सा और किसका पता चलता है? जब पानी आता है तो गांव में सबके घरों को ध्वस्त कर देता है। ये गरीबी, ये भुखमरी, ये बेरोजगारी, ये महंगाई, इन्होंने हमारे जीवन को चौपट कर दिया। हम इस देश में, हमारे पास पोटेंशियल है, हम देश के भविष्य को बदल सकते हैं। इसलिए मैं विचारपूर्वक कह रहा हूं कि वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी इज द बिगेस्ट चैलेंज विद द बीजेपी। हमारे गुड गवर्नेंस के साथ, गुड इकोनॉमिक गुड गवर्नेंस के साथ हम इस देश की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं, गांवों का विकास करना चाहते हैं, ये हमारा गोल है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, ये हमारी प्रेरणा है, और गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस ये हमारा मिशन है।
और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो वर्णन किया है कि जो समाज का आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, ऐसे दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे, जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा उस दिन हमारा सपना पूरा होगा, ऐसा अंत्योदय का विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दिया है। तो हमारा ये जो अंत्योदय का विचार, ये हमारा उद्दिष्ट है, ये सोशियो इकोनॉमिक है। और इसके साथ साथ हम और बात कहना चाहते हैं कि सोशल हार्मनी, सामाजिक सद्भाव, कोई व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता। जात, पंथ, धर्म, भाषा, लिंग भेद, इसके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन करने वाली बात हमको मान्य नहीं है। छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता, समाज से समूल नष्ट करना इज ए पार्ट ऑफ अवर कमिटमेंट, ये हमारी विचार निष्ठा है। और सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, ये हमारी 100% कमिटमेंट है, हम इसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और इसलिए आप युवा हो, आपकी स्लेट कोरी है, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस, पॉलिटिकल लिमिटेशंस एंड पॉलिटिकल कंपोजिशंस। बहुत सी बातें ऐसी है कि हम जब चलते हैं तो अनेक बार कॉम्प्रोमाइजेस करते करते डिटोरेट हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि नेता खराब है, कुछ कहते हैं कि जुडिशियरी में गड़बड़ हो रही है, कुछ कहते हैं कि मीडिया गड़बड़ है, कुछ कहते हैं कि उद्योगपति गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ कहते हैं युवा गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ कहते हैं शिक्षा क्षेत्र खराब है। मैंने एक बड़े व्यक्ति को पूछा कि डिटोरिएशन सब क्षेत्रों में है, अगर हम राजनीति में काम कर रहे हैं तो कोई आसमान से तैयार हुए टपकते हुए कोई लीडर तो हमको नहीं मिलेंगे, आखिर हमको समाज के ही लोग मिलेंगे, और समाज से जो लोग मिलेंगे उनके ऊपर अच्छे संस्कार करके, उनको अच्छा दृष्टिकोण देकर उनको अच्छे नेता बनाना, यही हमारी प्रोसेस है। हमने पिछले साल में 30,000 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण किया, उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी, यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज, आपकी प्रतिमा को खुद नहीं पकड़ सकते। मेरे में भी पूर्णांक नहीं है, मेरे में भी दोष है, इसमें भी दोष है, हम धीरे धीरे अपने दोषों को कम करें। और जिस व्यक्ति को हम स्वीकारते हैं उसके गुण दोषों के साथ स्वीकारते हैं। और पार्टी इज अ सिस्टम जिसमें हम दोषों को कम करके गुणों को बढ़ाकर उसको अच्छे नेतृत्व में निर्माण करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस देश को हमको गरीबी से मुक्त, गरीबी से, भूखमरी से, बेरोजगारी से, महंगाई से मुक्त करना है। यह हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्ड इटसेल्फ इट मींस आई एम पॉसिबल, हाँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब पॉसिबल है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप युवा है, पॉजिटिव बात पर विश्वास रखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, हम बदल सकते हैं, केवल हम कैसे बदलेंगे इस पर निर्भर करता है। अब इसके बाद में मैं आपको कहूंगा कि देश की समस्या क्या है, भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, महंगाई है। किताबों में लिखे हुए अर्थशास्त्रों को 5 मिनट बाजू रखो, सभी नेताओं ने लिखा हुआ स्पिरिट सेल, काल मार्क्स से लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी तक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर महात्मा गांधी, सबके स्पिरिट में यही है कि गरीबों का कल्याण हो, वसुदेव। पर यह कैसे होगा, और इसलिए कैसे होगा इसकी नीति हमको बनाना है, उसी का नाम है पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट। हम यह स्थिति को बदल सकते हैं, और इसके लिए मैं आपको 2 बातें महत्वपूर्ण बताऊंगा कि हमारे विकास के 2 मापदंड हैं, एक है इंडस्ट्री और दूसरा है एग्रीकल्चर, बाकी भी है, बहुत सेक्टर्स है, 70 सेक्टर्स है। आज मैं आपके सामने 5-7 सेक्टर की चर्चा कर पाऊंगा, बाकी सेक्टर जो है वो आपके समाज के, हमारे देश के विकास के जितने सेक्टर है उस पर आप भी विचार करिए। पिछले 8 महीने से 200-250 लोग काम कर रहे हैं, पर अभी तक हम लोग इंडिया विजन 2025 नहीं बना पा रहे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल के अंदर दिसंबर के पहले
एक बुक आपके सामने रखो, एक सीडी रखो कि दिस इज द विजन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, हम पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, दिस इज द मींस एंड मेजर, दिस इज द वे, और इससे हम देश के भविष्य को बदलना चाहते हैं। मैं अकेला नहीं बना सकता, मैं तो बड़ा ब्रॉड अप्रोच रखता हूं कि अगर वाईएसआर रेड्डी के सरकार ने अच्छी स्कीम्स की वो भी मैंने लाई, लेफ्ट पार्टी के सरकार ने अच्छे काम किए वो भी हमने लाए, और कांग्रेस पार्टी भी कोई अच्छा काम करती है तो वो भी हम लाए। अच्छे काम पर किसी की मोनोपोली नहीं है, अच्छा काम समाज के हित में जो भी करते हैं सब मिलकर करें, इसमें सबका अधिकार है, इसे किसी पार्टी का व्यक्ति का अधिकार। मैं आपसे अनुरोध करूंगा पत्रकारों को, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकीलों को, सब विषयों के तज्ञों को मैं कहूंगा कि हम उनको बताओ, नॉलेज इज ए पावर। 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो नॉलेज ये है। और कौन क्या कर सकता मालूम नहीं, अपना वो कौन अमेरिकन लड़का लेकर ट्विटर, क्या नाम उसका, जिसके किताबों का बहुत ये हुआ और बाद में फिल्म निकली, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर। मैं अभी हवाई जहाज में फिल्म देख रहा था टीवी पर वहां के, तो उसके लिए एक कहानी चल रही थी कि उसने अपनी किताबें लिखी और वो अनेक लोगों के पास गया, प्रकाशकों के पास गया कि मेरी किताब प्रकाशित करो, सबने कहा तुम को तुम्हारी क्या इज्जत, सबने रिफ्यूज किया, पर एक ने उसका किताब प्रकाशित करने का धाड़स किया और ऐसी किताबें चली कि वो वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा पब्लिशर बन गया। उसने बहुत, एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट की भी कहानी मुझे याद है कि उसने कहा कि जब उसने किताब लिखी तो वो बहुत लोगों के पास गया और उसने कहा कि मेरा किताब अच्छा लिखा है, आप जरा प्रकाशित करो, सब तो नहीं। तब मुश्किल से उसने अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सब बेच दी और किताब का प्रकाशन किया। जब किताब का प्रकाशन हुआ तो किताब इतनी हिट हुई कि इतनी पॉपुलरिटी मिली कि सब लोग बोले फिर आप नेक्स्ट किताब आप लिखोगे तो मुझे बताइए, मुझे बताइए। तब उसने एक बहुत अच्छी बात कही, उसने कहा कि समुद्र की नदी की मुख्य धारा में जब पानी में मैं डूब रहा था तो मैं बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा था, आप तो बाजू में खड़े थे, आपके हाथ में रस्सी थी, पर मैं चिल्लाने के बाद आपने मुझे रस्सी भी नहीं दी और मुझे बचाने की कोशिश भी नहीं की। मैं अपने प्रयासों से बचा और रेत पर आकर जब मैं सूरज के किरण लेकर मैं आराम से तैर रहा हूँ बैठा हूँ, तब मुझे आप पूछ रहे हो कि डू यू वॉन्ट सम तो इसलिए कौन क्या कर सकता है ये बता नहीं सकता। और इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने लोगों से इसमें सलाह मिल सकती आपने लेनी चाहिए। इंडस्ट्री अगर डेवलप करनी है तो चार बातें जरूरी है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मैं हमारे एक नक्सली डिस्ट्रिक्ट के गढ़चिरौली जिला, मैं वहां एयरपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, लोग टिका टिकनी करते रहते बहुत, उनके तरफ ध्यान रखते, ये चलता ही है लोकतंत्र में, जो लिखने वाला लिखे और उसमें सुनते हैं। तो मैंने कहा यह हवाई या एयरपोर्ट बनना चाहिए, खूब विरोध किया पत्रकारों, तो मैंने उनको कहा महाराष्ट्र में सबसे मिनरल वाइज रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट है गढ़चिरौली, पर सबसे पिछड़ा हुआ है, और 50 करोड़ के ऊपर अगर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर लानी है तो ये लाने वाला व्यक्ति मुंबई में बैठा है, तो मुंबई का उद्योगपति पहले पूछता है कि आपके पास एयरपोर्ट है, आपके पास रोड है, क्या आपके पास 24 घंटे बिजली है, अगर बिजली है, रोड है, एयरपोर्ट है, पानी है तो हम आएंगे, नहीं होगा तो हम इंडस्ट्री नहीं खुलेंगे। अगर वहां इंडस्ट्री नहीं खुली, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा तो पर कैपिटा इनकम GDP कैसे बढ़ेगा। जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक प्रगति और विकास नहीं हो सकता, और रोजगार अगर देना है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी होगी तो इन रोड बनाना होगा। मैं जब मंत्री था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मैंने तैयार की थी, तो मैंने अटल जी को जॉन किरेड़ी का एक वाक्य लिखकर भेजा था, उस रिपोर्ट में मैंने लिखा था कि जॉन किरेड़ी ने कहा था
कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। जब अटल जी के सरकार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जब मैंने रिपोर्ट दिया था तो नाबार्ड के चेयरमैन मेरे कमेटी में थे, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे, महिला कल्याण विभाग के सचिव थी, सबने अध्ययन किया, अनेक सरकार के सेक्रेटरीज थे, उन्होंने मुझे कहा और अध्ययन करके बात सामने आई कि हिंदुस्तान के 6.5 लाख गांवों को अगर मजबूत रोड से जोड़ दिया जाएगा तो हिंदुस्तान का जीडीपी 1,10,000 करोड़ से बढ़ेगा। ये उन्होंने अध्ययन करके रिपोर्ट में मुझे कहा। अगर गांव में रोड बनेगा तो फल फूल सब्जियां शहरों में आएगी, मार्केट मिलेगा। गांव में रोड बनेगा तो दूध शहरों में आएगा। अगर रोड ही नहीं होगा तो अनाज नहीं आ पाएंगे, फ्रूट्स नहीं आ पाएंगे, फल नहीं आ पाएंगे, सब्जी नहीं आ पाएंगी, तो किसान के माल को कीमत कैसी मिलेगी। या आगरा में आपके पास लोग हर साल आलू रोड पर फेंक देते हैं जब होते हैं। मुझे कभी कभी मन में आता है कि उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बड़े स्मारक बनाए अच्छे हैं, उस बात का हमारा विरोध नहीं है, पर अगर स्मारक बनने के बजाय जहां आलू बनते वहां अगर 200-400-500 कोल्ड स्टोरेज बनते तो किसानों को अपना आलू रोड पर फेंकने की जरूरत नहीं। इस देश में हर साल 58,000 करोड़ का अनाज सड़ता है, हमारे कृषि मंत्री कहते हैं, और 60-70,000 करोड़ के फ्रूट्स वेजिटेबल सड़ जाते हैं। मैं आपको कहता हूं कि हमारे देश में प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज अगर देश में बनेंगे और हमारे फल फ्रूट सब्जियां अगर बचेगी तो देश में किसानों का, गरीबों का कितना फायदा होगा। आज हम 58,000 करोड़ का अनाज सड़ रहा है, इस साल 85,000 करोड़ का सड़ने वाला ऐसा अनुमान है। जून के बाद जब बरसात शुरू हो जाएगी तो हरियाणा और पंजाब में रोड पर गोदामों में सामने मंडी में ऐसा गेहूं रखा है, पानी आएगा सड़ जाएगा। क्या इस देश में हम लोग स्वाधीनता के 65 साल के बाद अनाज रखने के लिए गोडाउन नहीं बना सकते, क्या इसको हमने प्रायोरिटी नहीं दी। और गांव में रोड नहीं है, 16-16 घंटे बिजली नहीं है, और इसलिए अगर देश का विकास करना है, इंडस्ट्री अगर लानी है, तो आज देश की हालत ऐसी है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना बंद हुआ है, जो आई थी वो वापस जा रही है। इंडियन इंडस्ट्री जो है वो अपनी पूंजी को लेकर देश के बाहर जा रहे हैं। अब देश का माहौल जो है वो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं रहा। इस देश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको फ्रेंडली बनाना होगा। देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अनेक क्षेत्रों में लानी होगी। मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या आपको पता है कि डॉलर की तुलना में रुपए का मूल्य 58 रुपए हुआ है। क्या यह मूल्य क्यों हुआ? दो कारणों के कारण हुआ है। हमारे देश का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट 4,70,000 करोड़ का है और गोल्ड का इंपोर्ट 2,40,000 करोड़ का है। एक भारत सरकार के माइनिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, आईएएस ऑफिसर, बहुत अच्छे थे, पति पत्नी दोनों भी थे, मिस्टर एकेडी जाधव और रानी जाधव, महाराष्ट्र कैडर के थे, मेरे मित्र थे, मैं उनसे मिला। उनने मुझे कहा देश में 23 जगह पर गोल्ड माइन है, गोल्ड है, 7 माइंस जो है वो फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट में अटका के रखी है, 7 जगह पर 3 जगह जो माइन है वो घाटे में चल रही है, एक कर्नाटक में कोलार या कोई नाम है, वहां जो डम पड़ा हुआ है उसमें अगर ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए तो डम से भी करोड़ लाखों टन सोना निकल सकता है, इतना पड़ा हुआ है, हजारों टन निकल सकता है, क्योंकि मैं लाखों टन शब्द मेरा बना रहा हूं, हजारों टन निकल सकता है। हमारे देश में अगर गोल्ड माइन में अगर गोल्ड अगर अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके हम निकालते हैं और 2,40,000 करोड़ का गोल्ड इंपोर्ट अगर हमारा 75,000 करोड़ पे आता है और जो हमारा पेट्रोल है, डीजल है, क्रूड ऑयल है, आज मुझे बताइए कृष्णा बेसिन में हम फुल यूटिलाइजेशन करके नहीं निकाल रहे हैं। हमारे यहां अनेक जगह पर गैस का पोटेंशियल है, नहीं निकल रहा है। आपको मालूम है सीबीएम, कोल बेड मिथेन, जो कोयले के नीचे में है,
उसने 400 पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं झारखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र में कुछ जगह पर, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सीबीएम है। अभी पश्चिम बंगाल में सीबीएम से यूरिया बनाने का एक बहुत बड़ा प्लान आ रहा है। हमारे देश में खाद नहीं है, रासायनिक खाद नहीं है। 350-380 रुपए की खाद की जो कीमत थी 10-10-26 मिश्र की, वो 1250 रुपए हुई है 4 साल में। हमारे देश में यूरिया तैयार हो सकता है, मिश्र हो सकता है, खतों की नई कंपनी नहीं खुलती, कार्टेल हुआ है। मैं जॉर्डन में उतरा, जब मैं इसराइल में हमारे एरिया के किसानों को लेकर एग्रीकल्चर एग्जीबिशन में जा रहा था, तो जॉर्डन के एम्बेसडर मुझे मिले और मुझे बता रहे थे कि जो डेड सी है वहां पोटैश मिलता है, और वो डेड सी ऐसा है कि वहां पानी पर आदमी तैरता है, तो वहां पोटैश जो होता है वो पोटैश वर्ल्ड में वहीं से जाता है। उनने कहा कि कंपनियों ने कार्टेल बनाया है और हिंदुस्तान में जो पोटैश जा रहा है वो $100 पर टन से ज्यादा भाव से जा रहा है। किससे पैसा वसूल हो रहा है? किसानों से। 380 रुपए की खाद की कीमत 4 साल में 1290 रुपए की हुई है। कहां किसान काम करेगा? गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, टमाटर सस्ता है, सॉस महंगा है, संतरा सफरचंद सेब सस्ते हैं, जूस महंगा है, कपास सस्ता है, कपड़ा महंगा है। हमारे मुंबई शहर में बर्तन मांजने की मिट्टी और फ्लैश भी 16 रुपए किलो के भाव से मिलती है, और गेहूं और चावल को 12 और 13 रुपए किलो की कीमत नहीं मिलती। कैसे किसान खाते हैं? कैसे गांव की तरक्की होगी? किसान मर रहा है। अगर आपको मर्सिडीज गाड़ी लेनी है तो 11% लोन इंटरेस्ट है, और ट्रैक्टर खरीदना है तो 13% और 14% लोन है। कहां से किसान खाते हैं? और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे फर्टिलाइजर हो चाहे क्रूड आई, मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं। मैं अभी कनाडा में गया था, गाड़ी में बैठा था, E85 वॉक्सवैगन, जनरल मोटर्स, होंडा और फियाट, 4 कंपनियों की गाड़ियां मैंने देखी। और मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि E85 मीन्स 85% इथेनॉल, ये ग्रीन फ्यूल है, एब्सोल्यूट अल्कोहल है। हमारे उत्तर प्रदेश में इतना इथेनॉल तैयार होता है कि उत्तर प्रदेश की ट्रक बसेस और गाड़ियां अगर सब इथेनॉल पर चलेगी तो उत्तर प्रदेश में 1 पैसे का डीजल पेट्रोल पंप चलेगा नहीं, इतना इंडिजिनियस इथेनॉल अवेलेबल है। ब्राजील में 100% इथेनॉल पर गाड़ी चलती है। इथेनॉल का रेट सरकार 27 रुपए लीटर दे रही है और पेट्रोल का भाव 80 रुपए लीटर है। मैंने एक पेट्रोलियम कंपनी को उनके पंप बंदे में बोला, मेरे एरिया में पंप दे दो, मैं 20% इथेनॉल डालता हूं और 5 रुपए सस्ता पेट्रोल बेचता हूं, गरीबों का फायदा होगा। उनने मुझे एमओयू कर लिया, अब सरकार की परमिशन के लिए रहा देगा। उससे पोल्यूशन कम होता है, एवरेज उतना ही रहता है। इस देश में ये होने के बाद भी बायोफ्यूएल बायो एनर्जी को इनकरेज क्यों नहीं किया गया? आज हमारे पास बिजली नहीं है, और इसलिए जो आपका व्हीट स्ट्रॉ है, राइस स्ट्रॉ है, कॉटन स्ट्रॉ है, इससे एब्सोल्यूट अल्कोहल तैयार हो सकता है। मैं मेरे बारे में ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा, उससे गलत कहीं होगी, पर जिसको किसी को डाउट होगा वो मेरी बात को देखने के लिए मुझे पूछे, मैं उसको सिद्ध करके दूंगा। मैं कोई भी बात कादंबरी की, विचारों की और बाहर के नहीं कह रहा हूं, मैं सच बात आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास राइस स्ट्रॉ भी स्ट्रॉ पड़ा है, कॉटन स्ट्रॉ पड़ा है, उसको अगर आपने वहां से, उससे पुणे में एक प्राच कंपनी है, उन्होंने उससे इथेनॉल बनाया, बन सकता है। और अब नई बात आई, आप जिन जिन गांवों में आए, मैं आप प्रयोग करो मेरे शहर में, कि मेरे यहां जो बाजार समिति है वहां रोज 150 टन सब्जियां सड़ जाती है। तो मैंने कहा कि इसमें मैं डाइजेस्टर लगाता हूं, मैंने टेंडर निकालो, कोई नहीं मिलेगा तो मैं करूंगा, और 150 टन सब्जियां सड़ी हुई उससे मीथेन तैयार करूंगा, मीथेन से सीएनजी तैयार करूंगा, सीएनजी से CO2 तैयार करूंगा, और सीएनजी पर पूरी बाजार समिति की 500-700 ट्रक गाड़ियां स्कूटर सब चलेगी। दिल्ली में सीएनजी है, वो बायो सीएनजी उसको कहा जाता है। मैं 20,000 किलो सीएनजी तैयार करता हूं, संभव कोई कठिन नहीं। एक विजयवाड़ा के पास एक मैं ग्रास देखने के लिए गया, मैं तो राजनीति से ज्यादा यही काम करना चाहता हूँ। इफ आई गेट अपॉर्चुनिटी आई प्रिफरेबली राजनीति छोड़कर मैं वहां काम करूंगा, क्योंकि किसानों की आत्महत्या बचाने। तो उन्होंने ग्रास तैयार किया, वो हाइब्रिड ग्रास है,
जो एलिफेंटा ग्रास और बाजरा का हाइब्रिड बना हुआ है, उसको अगर डाइजेस्टर में डाल दिया जाएगा तो उससे मीथेन तैयार होता है। एक एकड़ में 150 टन ग्रास तैयार करते हैं, 3 बार काटते हैं, तो आप एनर्जी क्रॉप्स, जैसे आप फूड ग्रेन क्रॉप्स है वैसे एनर्जी क्रॉप्स में अगर किसान जाएगा तो फ्यूएल तैयार हो सकता है, पेट्रोल डीजल और गैस तैयार हो सकता है, तो देश को इंपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। और जो CO2 निकलता है, इस CO2 को पानी में डालकर नीरी करके देश की सबसे बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसने CO2 का यूज करके डीजल बनाया है, मेरे यहाँ ही किया हुआ है, और 500 लीटर डीजल तैयार हुआ, अलगी तैयार की, अलगी और काई से डीजल बना हुआ है। जब इस देश का किसान डीजल पेट्रोल तैयार कर सकता है तो 4,70,000 करोड़ का इंपोर्ट क्यों कर रहे हो? 4 करोड़ लीटर अगर इथेनॉल देश में है तो इथेनॉल बेस्ड इंजन देश में क्यों नहीं लाते हो? बहनों और भाइयों, मैं बहुत बार कोशिश की, नहीं हो। अगर 4,70,000 करोड़ का इंपोर्ट, मैं केवल इसी सब्जेक्ट पर 2 घंटे बोल सकता हूं, ये मेरा रुचि का विषय है। स्वर्गीय सुदर्शन जी बार बार इसकी बात करते रहे, बेचारे चले गए। हमारे पास शक्ति है, ताकत है कि हम लोग बायोफ्यूल बनाकर देश में क्रूड के इसमें स्वयंपूर्ण हो सकते हैं, पर कोई कोशिश नहीं कर। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं और पत्रकारों को भी पूछता हूं, कितना बड़ा ये हुआ न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर देश को बचाना, डिग्री चाहिए न्यूक्लियर पावर, लेफ्ट पार्टी ने सपोर्ट निकाला, पार्लियामेंट में झगड़ा हुआ, एक तो भी न्यूक्लियर पावर मुझे कहा है? आया नहीं, आ ही नहीं सकता। मैं बता रहा हूं, मैं पावर का एक्सपर्ट हूं, पर मेगावाट न्यूक्लियर पावर अगर डालनी है तो 15 करोड़ रुपए पर मेगावाट कैपिटल कॉस्ट है आज, तो जो न्यूक्लियर एनर्जी आएगी वो 15 से 16 रुपए पर यूनिट मिलेगी। वीट पावर की पर मेगावाट कैपिटल कॉस्ट 12 करोड़ रुपए है, थर्मल मेगावाट यानी कोयले से पावर बनाते उसकी पर मेगावाट कॉस्ट 6.5 करोड़ है, और सोलर एनर्जी की कॉस्ट जब शुरुआत हुई तब 15 करोड़ पर मेगावाट थी, अभी लेटेस्ट टेंडर निकला है 7.5 रुपए पर यूनिट, यानी 8 करोड़ रुपए पर मेगावाट सोलर एनर्जी, सोलर यूनियन एनर्जी आपको मिलती है केवल 8 रुपए। अगर हम 10,000 मेगावाट सोलर पावर डालेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं आपको 6 रुपए यूनिट सोलर पावर मिलेगी। अब पावर तो पावर होती है, सोलर पावर पीले रंग की और थर्मल पावर काले रंग की और ग्रीन पावर पीले रंग की, ऐसा तो नहीं होता, पावर पावर है। एक का 15 रुपए रेट, दूसरे का 6 रुपए रेट, कौन लेगा? न्यूक्लियर पावर आ ही नहीं सकती देश में, क्योंकि अब सोलर पावर, मैं तो वो सपना देख रहा हूं बीजेपी के विजन में कि हम सोलर पावर को 20,000-25,000 मेगावाट तैयार करेंगे तो सोलर पावर हमको 4.5 रुपए पर यूनिट मिलेगी, और जो 6.5 करोड़ पर मेगावाट थर्मल की कॉस्ट है वो सोलर की कॉस्ट 5 करोड़ रुपए पर मेगावाट आएगी। आ सकती है, पढ़िए नरेंद्र भाई ने जो कैनाल है उसके ऊपर सोलर पैनल डाल के सोलर पावर, और कोई पोल्यूशन नहीं, कोई एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं, कोई कोयला नहीं, कोई CO2 नहीं, कुछ नहीं, मेंटेनेंस कॉस्ट भी नहीं। हाँ ये सब मैं अमलियत में बता दूंगा आपको, मैंने सोलर पावर का पंप भी तैयार किया 5 और 3 माह पर, ये हो सकता है। और इसलिए इस देश में बायो एनर्जी, बायो फ्यूल, इसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, इसकी नीति बनाने की आवश्यकता। और इसलिए मैं कहूंगा कि जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है इंडस्ट्री का, इसमें अभी हम लोग सोलर एनर्जी, इथेनॉल, बायोफ्यूल की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इनवाइट करें। मैंने होंडा को कहा कि आप ये इंजन मुझे दो, उन्होंने कहा कि इंजन भारत सरकार की परमिशन नहीं है। जब अमेरिका में E85 पर इंजन पर गाड़ियां चल सकती है, कनाडा में चल सकती है, ब्राजील में 100% इथेनॉल पर ट्रक चल रहे हैं, तो देश के किसान बोला इससे इथेनॉल बनाकर करोड़ों लीटर बनाते हैं, तो ये इंपोर्ट करने के बजाय किसानों को इसके लिए क्यों नहीं दिया जाता, इसका कारण क्या है? और इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हमारे देश में हमको भविष्य की नीति बनाते समय हमको इंडस्ट्री की नीति बनानी पड़ेगी, बायोफ्यूल एनर्जी के सेक्टर की नीति बनानी पड़ेगी, हमको एग्रीकल्चर की नीति बनानी पड़ेगी, हमको एविएशन की नीति बनानी पड़ेगी,
हमको रेलवे की नीति बनानी पड़ेगी। मैं आपको आह्वान करता हूं, वर्ल्ड में सबसे अच्छी रेलवे अगर कहीं है तो आप स्विट्जरलैंड में जाकर आइए। और स्विट्जरलैंड में जो रेलवे के डब्बे हैं, जो स्विस रेल है, बहुत ही लाइट है। हिंदुस्तान में जो रेलवे के डब्बे बनते हैं उससे लाइट होने के कारण वहां कॉस्ट भी कम है। हमारे देश में अगर हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया तो बड़े प्रमाण पर रेलवे बन सकती है। आज रेलवे में ही ऐसा सेक्टर है कि जिसमें हम कम से कम अनेक लोगों के सहयोग से लाखों किलोमीटर की रेलवे बना सकते, स्टेशन बना सकते, सरकार के पैसे की जरूरत नहीं है। अनेक क्षेत्र ऐसे जैसे रोड बने, बिजली के प्रोजेक्ट बने। अभी कनाडा में मैंने देखा कि रिवर कनेक्टिविटी की बात आई है। आप कभी जाइए कनाडा में कि नदियों को जोड़ा गया है और उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट है। हम गंगा और यमुना को ठीक प्रकार से बनाए और वो सिस्टम अगर क्रिएट कर, हमारे वाटर सेल में श्रीराम करके कार्य करता है, उसने ये तैयार किया है कि अटल जी का जो सपना था गंगा कावेरी कनेक्टिविटी का, हम वो सपना पूरा करके वाटरवेज तैयार करेंगे और ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और गुड ट्रांसपोर्ट के लिए उसका उपयोग करेंगे। ये हो सकता है। हमको एग्रीकल्चर में सिंचाई को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। मैं बहुत बार ये उदाहरण दे चुका हूं कि मध्य प्रदेश का एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2.4% था, सिंचाई केवल 7 लाख हेक्टर थी। जब मैंने उनको कहा कि आप इस पर ध्यान दीजिए, आग्रह किया, उन्होंने कोशिश की, आज उनके यहां 22 लाख हेक्टर जमीन के पानी के नीचे आई सिंचाई हुई। आपको ताज्जुब होगा, देश में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट अगर कहीं है तो 18.96% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हुआ और मध्य प्रदेश के किसानों का। मैं आपको कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, हायर एजुकेशन, व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षण, प्रोफेशनल शिक्षा, सोशल वेलफेयर, माइनॉरिटी का कल्याण, इतने जितने सब्जेक्ट्स है, वाटर कंजर्वेशन, रिवर कनेक्टिविटी, एनर्जी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, फिशरमैन, वेवर्स, इतने बड़े बड़े सेक्टर्स है उसमें आप काम कर सकते और हम उनको नई दिशा दे सकते। और इन सब विषयों को इंडिया विजन 2025 के लिए हम किस प्रकार से इन सेक्टर को परिपूर्ण बना सकते हैं, क्षमतावान बना सकते हैं, रोजगार की निर्मिति कैसे करें, मैं विश्वास बना रहा हूं। आपको एक छोटी बात, हमने विजन डॉक्यूमेंट में लिया है, आपको पता है कि हमारे देश की हाउसिंग इंडस्ट्री केवल 1% लोगों के लिए काम करती है। 10 लाख रुपए के ऊपर का मकान खरीदने की ताकत इस देश में केवल 1% लोगों की है। अगर हम 5 लाख रुपए और उसके नीचे मकान डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पर बनाएंगे और 5 करोड़ मकान बनाएंगे और उनको पहले 5 साल 0% इंटरेस्ट से लोन देंगे तो इस देश में 30% से 40% लोग, अगर हम 5 करोड़ मकान अगर 5 साल में खरीदी करेंगे तो हमारे देश में इन्फ्लेशन गायब हो जाएगा, स्टील सीमेंट इंडस्ट्री में इतनी खपत बढ़ेगी, युवाओं को इतना रोजगार मिलेगा कि जब 1000 करोड़ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है तो 1 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है। सब कुछ हो सकता है। गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, समाज, देश, गरीब के साथ कटिबद्धता और देश के भविष्य को निर्माण करने का संकल्प और सही नीतियां, इससे देश का तकदीर और देश का भविष्य बदल सकता है। आज तो शुरुआत हुई है, बहुत से विषय है जिस पर आप सबको विचार करना है। मुझे भी 8 बजे हवाई जहाज पकड़ना है, समय की कमी है। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ये जितने सेक्टर से, जितने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, जितनी बातें आपके मन में है, फिशरमैन के लिए हो, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के लिए हो, बेरोजगार युवाओं के लिए हो, स्किल डेवलपमेंट के लिए हो, हायर एजुकेशन के लिए हो, एग्रीकल्चर के लिए हो, इंडस्ट्री के लिए हो, मुस्लिम और दलितों के कल्याण के लिए हो, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए हो, हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम्स के द्वारा गरीबों के कल्याण की बात हो, हेल्थ सर्विसेज की स्कीम्स के बारे में हो,
बहुत रोड के बारे में हो, बिजली के बारे में हो, पीने के पानी के बारे में हो, इरिगेशन के बारे में हो, वाटर कम्युनिकेशन के बारे में हो, अनेक प्रश्न है। भविष्य का हिंदुस्तान बनाने के लिए इन सब क्षेत्रों में हमने कैसा विचार करना चाहिए, इसका माइंड अप्लाई करो। स्पिरिट ये रखो कि हमारे देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाना है, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना है, गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, देश को दुनिया की नंबर एक की ताकत बनानी है। यही भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। इसी विजन को लेकर आप पूरी ताकत और शक्ति के साथ काम करिए और देश के भविष्य को और तकदीर को बनाने के लिए, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए, सामाजिक आर्थिक न्याय की हमारी संकल्पना को पूरा करने के लिए, दीनदयाल जी के अंत्योदय के विचार का सपना पूरा करने के लिए पूरे शक्ति के साथ, विचारों के साथ, आप पूरी ताकत के साथ काम करिए और विचार करिए और उसके लिए ये काम करने की प्रेरणा ऐसा समझ कर काम करिए। यही आपसे अनुरोध करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।